This movie is encoded by Dr. Star. सन 1592, पहला जापानी हमला। जब चाइना में प्रवेश की मनाही की गई तो चांसलर टोयोटोमी ने जोसिन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। दक्षिण में जब जोसिन और चाइना की सहयोगी फौज उन्हें रोक रही थी, तब नौसेना अध्यक्ष यी सुन शिन ने अकेले ही दक्षिण महासागर में मोर्चा संभाला। सन 1597, दूसरा जापानी हमला। दूसरे हमले के वक्त 150,000 जापानी टुकड़ियां तैनात की गई थीं। अगस्त में दो बेहद महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा करने के बाद हमलावरों की नजर राजधानी पर पड़ी। एक जासूस ने यी पर गद्दारी का आरोप लगा दिया और यी के बिना जोसेन की जल सेना तबाह हो गई। राजधानी हैनयांग में उनका कोर्टमार्शल हुआ। यी को बेरहमी से यातनाएं दी गईं। बाद में राजा ने हड़बड़ी में यी को माफ करके उसे फिर से नियुक्त कर दिया। यी ने युद्धपोतों और टुकड़ियों को इकट्ठा किया और पिछली जंग में बचे दक्षिण महासागर में खड़े 12 जहाज भी जुटाए। सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर हैनम में जापानी जलसेना ने केंद्र बनाया था और वो 300 से ज्यादा जहाजों के साथ हमला करने की तैयारी कर रहे थे। बताइए जनाब, आप दल में कब शामिल होने की सोच रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? आपको शाही फरमान मिला है ना, उन फौजी टुकड़ियों के साथ शामिल होने का जिनके सेनापति हैं मुख्य सेनापति क्वान युल, यानी आपको उनके नीचे रहकर जंग लड़नी है। तो क्या शाही फरमान में ये लिखा है? आपको कोई शक है? क्या आप नहीं जानते दुश्मनों के 200 जहाज खड़े हैं और हमारे जवान एक एक करके हमें छोड़ के भाग रहे हैं? सच पूछो तो 10 दिनों में 50 लोग फौज छोड़ के भाग चुके हैं। सच में मुझे यकीन है आपके पास कोई ना कोई योजना जरूर होगी, क्योंकि दुश्मन के 200 जहाज हमला कर सकते हैं, उन्हें रोकने के बारे में कुछ तो सोचा होगा। तो बताइए हम सबको, ये सब, ये नक्शे, ये योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगे। अच्छा एक काम करते हैं, आपके इन होनहार अफसरों से पूछते हैं, आप में से कोई कुछ कहता क्यों नहीं? बोलिए। क्या ये लोग हमारी हिफाजत करेंगे, ये डरपोक? देखिए जनाब, आप ही हमें हमारे सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि आखिरी कछुआ जहाज को नुकसान पहुंचाने के अलावा आपने कुछ नहीं किया। भूलिए नहीं, आप हमारे मुख्य अधिकारी से बात कर रहे हैं। तुम्हारी ये हिम्मत, मेरा ओहदा तुमसे बड़ा है, तुम अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप मेरी बात सुनो। मुझसे ऐसे बात करने का आपको कोई हक नहीं। आप एक भगौड़े हैं जो चिचनयांग से भाग गए थे, आप एक कायर है कप्तान। Why we have those 12 ships out there? Because I saved them from being destroyed in the battle. You keep your mouth shut when you don't know the truth. Admiral, you know as well as anyone this battle is futile. You know the kind of power our enemy has, and how they're brutal and relentless. They're going to defeat you. Why do you insist on sending men into a battle they'll never win? ये बैठक यहीं रोकी जाती है, आप सब जा सकते हैं। बात खत्म नहीं हुई। आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा?
आप सभी यहां से निकल जाइए। हमें सबसे पहले जहाजों की मरम्मत करनी है और जवानों को तैयार करना है। अब जाइए। जानते हैं कप्तान गातो, जोसुआ के साथ ये जंग खत्म करने का एक ही तरीका है। किंग सोंजुआ को बंदी बना लो। हम उस चालाक कपटी और दुष्ट को हाथों से नहीं जाने दे सकते। हमें उसे नहीं जीतने देना होगा। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा जनाब, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। कोनिशी हमसे पहले जेसियोन तक नहीं पहुँच पाएगा। मगर चांसलर चाहते हैं हम उनके आदमी का इंतजार करें। हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हैं। हमें तो बस तैयार रहकर उसके यहाँ आने का इंतजार करना है। वो वाकिजाका का जहाज है ना कप्तान? जी हाँ जनाब, वो हालात का पता लगाने गए थे। उम्मीद है कोई खुशखबरी लाए होंगे। इन लोगों ने अभी तक कितने चक्कर लगाए हैं, बस ये बताओ। पिछली रात का चक्कर मिलाकर 3 चक्कर हो गए हैं जनाब। क्या आप जानते हैं इस बार चांसलर हमारे पास किसे भेजने वाले हैं, और क्या वो हमारा मकसद पूरा करने में मदद कर पाएगा? चांसलर हिदेयोशी को अपने इस बंदे की काबिलियत पर पूरा यकीन है, और वो मानते हैं कि यी शुन शीन का पूरा खेल सिर्फ यही शख्स खत्म कर सकता है और कोई नहीं। ने हमें बचाने की पूरी कोशिश की, पर अब वो भी मारे जाएंगे। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? छोड़ दीजिए, बंद करो। बाबा मैंने कहा चुपचाप नीचे बैठ जाओ। नीचे हट जाओ वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम एक हत्यारे हो, आज मैं तुम्हारी जान लेके रहूंगा। नीचे बैठ जाओ। हेलमेट
दखल देने के लिए माफ कीजिए, मगर मैं आपकी मदद किए बिना जा नहीं सकता था। क्या तुम वही हो जिसे चांसलर हिदेयोशी ने हमें इस लड़ाई में मदद के लिए भेजा है? तो नहीं खराब हो गया? मुझे तो ये डाकू लुटेरे लगते हैं। चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। सर, बंदरगाह में बहुत गहमा गहमी है। 200 से ज्यादा जंगी जहाज लंगर डाले खड़े हैं। उन लोगों ने सप्लाई जहाजों पर खाना पानी और असला बारूद लादना शुरू कर दिया है। वो आसपास के गांवों से अनाज और दूसरे सामान लूट रहे हैं। वहाँ खलबली मची है। वो बेरहमी से उन लोगों के नाक काट लेते हैं जो उन्हें रोकते हैं। They also use children for target practice. It looks to me like they're almost ready. They're on the verge of deployment. क्या ये खबर एकदम सच है कि जियोंजू से 25,000 जापानी फौजी इस तरफ ही आ रहे हैं? जी हाँ, आपने सही सुना है जनाब। वो फौजी यूं करते हैं जैसे हमारा कोई वजूद ही नहीं है और राजधानी में घुसने की बात करते हैं, और कहते हैं जो उनके रास्ते में आएगा सबको मार डालेंगे। औरत, बच्चे, मर्द, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें हर कीमत पर रोकना होगा, वरना वो राजधानी में मारकाट मचा देंगे। ये जुन्सा के पास ले जाइए और जितनी जल्दी हो सके उनसे जानकारी लेके वापस आइए। जी जनाब। अछुआ जहाज का ढांचा तैयार हो गया, हमने ढांचा तैयार कर लिया। ओहो, यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या एक और तावीज? अरे मैं पहली बार जंग पर नहीं जा रहा हूँ, पर फिर भी मैं इसे संभाल कर रखूंगा। आप तो वापस जाओ। क्या ये सुनशिन राजा का आदेश नहीं मान रहे? सेनापति वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो सही है जनाब। अगर वो शाही आदेश को नजरअंदाज करते रहे तो मैं उनकी हिफाजत का वादा नहीं कर पाऊंगा। नामवन और जोंजू कासल्स उनके कब्जे में हैं, और जापानी फौजें उत्तर की तरफ बढ़ रही हैं। अगर उनकी जल सेना हमसे पहले राजधानी पहुंच गई और दक्षिण महासागर हमारे हाथ से चला गया, फिर हम क्या करेंगे? सिर्फ 12 जहाजों के बल पर वो कौन सा तीर मार लेगा? इसीलिए हमने ज्यादा जहाज मांगे थे। आपको हमारी सहायता के लिए थल सेना भेजनी होगी जनाब। इससे उसे क्या फायदा होगा? मैंने सुना है कि वो कुछ भी करने के लायक नहीं है। आपके पास इसका जवाब जरूर होगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। जबान संभाल के, आपको अंदाजा भी है कि यहाँ पर हालात कितने संगीन हो चुके हैं? हमें उस दुष्ट कियोमासा ने चारों तरफ से घेर रखा है और आपको और सैनिक चाहिए। गौर से सुनिए, आपको एक भी सैनिक नहीं मिलेगा। सुरक्षा के लिए हमें हर एक सैनिक की जरूरत है। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। मैं विनती करता हूँ, हमें और सैनिक और हथियार दे दीजिए।
वरना हमारी जलसेना पूरी तरह तबाह हो जाएगी। आपको शाही फरमान मानना होगा। यानी आप हमें मरने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे? हमारी कोई मदद नहीं करेंगे? तुम्हारी ये मजाल, सैनिक को ले जाओ इसे यहाँ से, और ले जाकर चार कोठरी में बंद कर दो। खड़े खड़े देख क्या रहे हो, ले जाओ इसे। ऐसा मत कीजिए, ले जाओ। जनाब, जनाब, सेनापति ने मुझे आपको ये बताने के लिए कहा था कि अगर हमने दक्षिण महासागर को खो दिया तो जोसेफ भी हाथ से जाएगा। जनाब, मेरी बात सुनिए। जनाब, इंतजार करते करते आधा दिन बीत गया। चांसलर के प्रतिनिधि के साथ आप ऐसा बर्ताव करते हैं? हम जंग की तैयारी में इतने मसरूफ थे कि मेहमान नवाजी पर ध्यान ही नहीं दे पाए, माफ कीजिएगा। तो बताइए, क्या आप जानते हैं राजा को लुटेरे कैसे मारते हैं? मेरा मतलब असली लुटेरे। अगर आप जानते हैं तो बता दीजिए। मैंने पूरे इलाके का अच्छे से मुआयना कर लिया है। हमें सुबह के ज्वार के साथ मियोंगयांग स्ट्रीट से निकल जाना चाहिए। हम टुकड़ियों को रात तक सप्लाई पहुंचा सकते हैं और फिर राजधानी हैनयांग पहुंच सकते हैं। इसका मतलब हमारा ये पूरा काम डेढ़ दिन में खत्म हो जाएगा। ऐसा कहना बहुत आसान है। यी सुनशिन कोई मामूली विरोधी नहीं है। मियोंगयांग स्ट्रेट से समुद्र की तरफ जाते हुए उनकी राजधानी के करीब जाकर यी सुनशिन को पकड़ना और उसकी सेना को नेस्त नाबूद करना हमारी सबसे अच्छी योजना होगी। आपको क्या लगता है चांसलर हिदेयोशी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए क्यों भेजा है वकीज़ाका? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? उनका नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत? ये सुनशिन की मौत मेरे हाथ होगी, ये याद रखना। क्या आप कोनिशी को आपसे पहले राजधानी पहुंचकर उस पर कब्जा करने दे सकते हैं? लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे और मेरे जवानों को माफ कर दीजिए। उन लोगों ने आपको एक आम आदमी समझने की गलती की है। मेरे साथ बैठिए कुरुशिमा। Father, it's Ho. Are you happy that you're here, son? I am. But, sir... Speak freely. You should get out of this mess. Why not blame your ailing health and just return home? We haven't even held a proper funeral for Grandmother. We only have the temporary shrine. Our men should join with the army
And you, you should go home to be able to heal. I can feel the resentment you harbor toward our king. The man tried to take your life from you. How come you don't feel resentment? Father, we only have 12 ships to bring to battle. We can hardly call ourselves a navy. It's shameful. If somehow you do lead these men to victory, the king will surely abandon you again. Why do you even consider fighting? Loyalty. But sir, he doesn't even reciprocate it. My boy, a commander's loyalty is forever with his king. And his loyalty belongs to his entire nation. But what if he abuses it? People create the nation, son. A king has nothing without his people. But that's a problem. So many are myopic. They have no concern about any other people. Please finish your dinner. The food is precious. चलो यहाँ तो कुछ लिखा हुआ है। तो चेतावनी है क्या? ये तो हम सबके लिए चेतावनी है। इसमें लिखा है कैप्टन बे होंग सुक। ये तो जंग का सेनापति था। चलो वो तो होंग सुक है। उन लोगों ने उनका सर काट डाला। पीछे हटो, पीछे हटो। क्या है? बहुत चलो पीछे रही है। Tell me, Kurushima, did you really behead the prisoners and send them back? Only after I cut off their noses and removed their ears. Well, great. I see we're going to have to deal with your foolishness. What's the use of this senseless provocation of the enemy? Why not? It'll at least make for an interesting fight. Of course, that assumes that they'll actually fight. You'll learn the hard way. Our enemy is strong and formidable! You know, I hear your men talk of Yi Sun Shin's prowess with great reverence. Perhaps the fact that you were so summarily defeated in Hansan has shrunk your testicles. That's the last you'll talk like that! Let me make this clear to you. I'm here at the Chancellor's direct request. He knows that you're too weak to take on the likes of Yi Sun Shin in battle. Don't be so reckless towards me, or your head might be the first one to fall.
My brother, Michiyuki, became a minion in service to the Chancellor. He perished on his quest to conquer the capital city, Joseon. I was facing the Chancellor's wrath, so he joined this war to save me. His life was taken by Yi Sun Shin's own hand. It happens now that the Chancellor has fallen ill. He probably has a year left at the most. That's why he's rushing the campaign along, and it's such a quick pace. He's bound and determined to take down Joseon once and for all. I will make that city fall. So you see? Yi Sun Shin has to be made to suffer and perish. Is that clear, Haru? My hope is this will serve as some sort of revenge. My brother's deserving of as much. क्या हो रहा है वहाँ पर? ये तो ओसांगो है ना? हाँ हाँ ये वही है। सुना है उसने भागने की कोशिश की थी। हाँ लेकिन उन लोगों ने इसे बंदी बना लिया है। ये भाग रहा था। हमारे जवानों ने इसे ब्लड आइलैंड के पास पकड़ा। मेरे फौजी साथी सब आन और शान के लिए चिचोनियन जंग में मारे गए। आज दिन भर मैंने उनके सर अपने हाथों से दफन किए। मुझे डर लग रहा है। मुझे डर है मेरा परिवार मुझे दोबारा देख नहीं पाएगा। मुझे बताइए जनाब, क्या हमारी मौत बेकार जाएगी? क्या तुम्हें बस इतना ही कहना है? अनुशासन हर कीमत पर जरूरी है, ये बात याद रखो। तो अपने ही आदमियों की जान लेने पर उतारू हो चुके हैं, ये हमें कैसे मुसीबत से बाहर निकालेंगे? मैं वादा करता हूं कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। खाड़ी बहुत सक्रिय हो जाती है, यहाँ की लहरें बेहद खतरनाक हैं। कहते हैं यहाँ की लहरों से कोई नहीं बच सकता, जो इनकी चपेट में आया वो जान से गया। यही वो जगह है, अगर वो किसी तरह हमसे एक कदम आगे रहना चाहते हैं तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ इस खाड़ी से प्रवेश करेंगे। इन खतरनाक लहरों को देखिए, उनकी तादाद अभी भी हमसे बहुत ज्यादा है। वो लहरों पर आएंगे और हमारे जहाजों से टकराएंगे, हम नहीं बच पाएंगे जनाब। इसलिए तो हमें कछुआ जहाज की जरूरत है।
उससे हम दुश्मन की सुरक्षा पंक्ति को भेद सकते हैं और उसी दौरान हमारे जंगी जहाज दूर से ही उन पर तोपे दागेंगे। ज्वार को अपनी दिशा बदलने में तकरीबन आधा दिन लगता है, क्या कछुआ जहाज इतनी देर मोर्चा संभाल पाएगा? ज्वार उतरने के बाद समंदर काफी शांत हो जाता है और उस समय की आवाज इस आवाज से बहुत अलग होती है जैसे कि आप अभी सुन रहे हैं। यह आवाज समंदर की गहराई से निकलती है, ऐसा लगता है जैसे किसी की तड़पती हुई रूह रो रही हो। पर असली दिक्कत है भावर। आम तौर पर ज्वार उठने के दौरान आप ये आवाज नहीं सुन पाते, पर अगर आपने इसे सुन भी लिया तो मैं आपको आगाह कर दूं, आप तैयार रहिएगा क्योंकि न जाने कब भावर सामने आ जाए और सबको निकल ले। शोर मुझे याद दिलाता है उन सभी जवानों की जिन्हें मैंने चिचोंजियांग की जंग में खो दिया था। मुझे एक बात बताइए बाबा, क्या टर्टलशिप के अलावा कोई विकल्प नहीं है? विकल्पों की कोई फिक्र नहीं है, असली फिक्र है वो डर जो मेरे जवानों में फैल रहा है किसी खतरनाक बीमारी की तरह। क्या वो किसी तरह अपने डर से बाहर नहीं आ सकते? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम जंग हार जाएंगे। अपने ही जवानों का सर काटना जैसे आपने ओसांग गु का सर काटा, क्या अनुशासन का यही रास्ता है? अगर वो मैदान छोड़कर भाग गए तो हम तबाह हो जाएंगे। हम उसे ही ताकत बना सकते हैं। आपका मतलब आप उनके डर को ताकत बनाएंगे? हमारा बदला लीजिए सेनापति। ये कैसे हो सकता है? मेरे दोस्त होंग सुख चोयो लियो की बदला लीजिए सेनापति। आप आइए, एक जाम मेरे साथ पी लीजिए। मुझसे मुंह मोड़ कर मत जाइए मेरे जवानों, मुझे छोड़कर मत जाओ जियो की चोयो हांग सुख, मुझे छोड़कर मत जाओ, इस जंग में मेरा साथ दो, मत जाओ।
शिन का कछुआ जहाज जलकर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। क्या ये सच है? ये की छावनी से उठती आग और धुएं को देखकर हमने अपने जासूसों को वहां भेजा और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है, ये खबर सच है। क्या यी सुन शिन की नौसेना में वो कछुआ जहाज थी? ये बिल्कुल सही है जनाब, यी सुन शिन के पास अब एक भी कछुआ जहाज नहीं बचा है। ताई तो मोमन, इसका मतलब है जब सिर्फ आगे ही बढ़ना है तो पीछे मुड़कर मत देखिए। ये लफ्ज और इनकी गहरी सीख हमारे दिलों में न सिर्फ हिम्मत बल्कि संकल्प भी भरते हैं। इसी जज्बे की मदद से हम अपने दुश्मनों को हराएंगे। Thank you.
हे भगवान, ये क्या? आगे कहाँ जा रहा है? पकड़ो उसे! मदद करो! मेरी मदद करो! कब हो रहा? आ जाएगा, भाग कर! भाई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, बचाओ! नहीं, रुक जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। आगे बढ़ो। उस तरफ है। यहीं कहीं होगा, देखो। वहाँ होगा कहीं। उस तरफ ढूंढो। आगे बढ़ो। खड़ी खड़ी हो, देखो। संदेश भेजा है। हम मियोंगयांग कल सुबह पहुंचेंगे और उठते ज्वार के साथ ही निकल जाएंगे। बेड़े में कुल मिलाकर 330 जहाज हैं और इस बेड़े का कप्तान बदकिस्मती से एक नया आदमी है जिसका नाम है कुरुशिमा मिचिफुसा। उसे लुटेरा राजा भी कहते हैं और उसे इस तरह की जंग का काफी तजुर्बा भी है। उसकी किस्मत अच्छी है कि उसे जनरल वाकिजाका का साथ मिल गया है जिसे हमने हांसर में हराया था। आशा है ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। मेरा काम पूरा होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। हमें उस योंग पहुंचना होगा। क्या? मियोंग योंग खाड़ी हमारे पीछे है। हमें चिंदो छोड़कर लोगों को नई जगह ले जाना होगा। Come on!
कुनिशी ने आपके लिए संदेश भेजा है। कुनिशी मुझे एक कोने में धकेलने की कोशिश कर रहा है। आप फिक्र ना करें जनाब, हम उन लोगों के वहां पहुंचने से पहले ही राजा का तख्ता पलट देंगे। जरा यहाँ से नजारा तो देखिए, जोसन रात को कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिखता है। मैं चाहता हूँ कि ये जोसन सिर्फ मेरा हो। हुजूर, क्या खबर है? जनाब, हम चलने के लिए तैयार हैं। सभी जंगी कैदियों को डेक के नीचे काम पर लगा दिया गया है। हथियार, गोला बारूद वगैरह का भंडार भी भर दिया गया है। इस बार ये सुनशिन नहीं बचेगा, ये मेरा आपसे वादा है। Of a single line qualifies a tactic. The admiral's lost his senses. The captain's right. Just listen to that out there. I refuse for us to die in vain. We can't let him go forward with this. We must take some action. What are you implying with that kind of thought? Are you suggesting we make a plan to assassinate the admiral? How dare you? That's not what I'm saying at all. Okay then. We're running out of time to do something, and we can't even send a message successfully up the ranks now. Let's go to him. Why do that? I'll convince the Admiral. And if I fail, I'll tell him to take my life right there. Your Majesty, if you disband the Navy now, I'm afraid the enemy will be able to get to you. And they'll do so basically free of any resistance. I still have 12 ships at my command. If we fight to our last breath, it is not impossible. As long as I still have life within me, the enemy shall never feel safe on our soil. जनाब, मैं अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर आपसे अपने मन की बात कहना चाहता हूं। इस जंग का कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। अगर हमने किसी तरह अपने दुश्मन को म्योंगयांग खाड़ी के अंदर बुला भी लिया, फिर भी हम उनका सामना नहीं कर सकते। हमारे पास एक भी कछुआ जहाज नहीं है। इस जंग को कुछ दिन के लिए टाल दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। आनवे, क्या आप वाकई ऐसा चाहते हैं? अगर आप इसे सही नहीं मानते हैं तो फिर मैं खुशी खुशी अपनी जान देने को तैयार हूं। I would rather die by your sword, Admiral.
अगर आप सब भी यही चाहते हैं तो फिर ठीक है, जाइए सभी जवानों को इकट्ठा कीजिए और मुझसे शिविर के सामने फौरन मिलिए। जी जनाब। जी जनाब। जी जनाब। किम डोलसन हवेंगबो मैन, आप वो ले आए हैं क्या? जी ले आए हैं। उड़ेल दो। खड़े क्यों हो, डालो जल्दी, उड़ेल दो। यस सर। अब इसमें आग लगा दो। जनाब नहीं, नहीं जनाब ऐसा मत कीजिए। जनाब ऐसा मत कीजिए, हम पर हम करिए। मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपका मुखिया हूँ। आप लोग बुज़दिल और कायरों का एक झुंड हैं। क्या लगता है आप अमर हैं, कभी मरोगे नहीं? औरतों के पीछे छुपकर जंग से बचना चाहते हैं आप लोग? कि आप यहां जमीन पर ज्यादा सुरक्षित रहोगे? देखो आग को ध्यान से देखो, मैं जमीन पर सब कुछ जला रहा हूं ताकि हम समंदर में मर सके। अब आपके पास भागने और छुपने की कोई जगह नहीं है, कहीं नहीं जा सकते आप लोग। हमें आखिरी सांस तक लड़ना है। नायक जैसे मरो या बुज़दिल जैसे जियो, आखिरी सांस तक लड़ो और अमर हो जाओ। मेरी फौज का हर एक जवान हजारों पर भारी पड़ सकता है, मुझे अपने जवानों पर पूरा विश्वास है। मगर क्या आपको मुझ पर और मेरी काबिलियत पर विश्वास है, मुझे बताइए। Created the fear. How will you utilize it for a victory? मुझे बताइए, ये हमारे कप्तान बेहोंसुक का बेटा है ना नादेजोंग? हाँ, हमारे जासूस के बदले इसी ने हमारे पास जुनसा का संदेश लाया था। जुनसा की मदद से ही ये हमारे दुश्मनों के जंगल से भाग निकला। ये तुम्हारे बाबा का था और अब ये तुम्हारा है। मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बेसुबोंग है। तुम्हारे बाबा ने मेरे साथ मिलकर 6 सालों तक जंग में अपने जलवे दिखाए थे। मैं उनकी बहादुरी और दिलेरी को कभी नहीं भूल सकता। Thank you.
जनाब, मेरी आपसे एक गुजारिश है। हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे भी इस जंग में शामिल कर लीजिए ताकि मैं अपने बाबा की मौत का बदला लूं। एक शर्त पर तुम वादा करो, तुम तलवार नहीं सिर्फ चप्पू ही उठाओगे। ये मेरी खुशकिस्मती होगी। शुक्रिया। लाडला बेटा जल्दी ही आपसे उस दूसरी दुनिया में मिलेगा। मुझे उम्मीद है मेरी मौत बेकार नहीं जाएगी। जनाब, आपने अच्छा काम किया। जनाब, मैं महंत आई ही। आने के लिए शुक्रिया, इससे मदद मिलेगी हमें। जनाब, बहुत खूब जुन्सा। सभी टुकड़ियों को तैनात कीजिए। सभी टुकड़ियां मोर्चा संभालिए। चप्पू चलाने वाले तैयार। हम जंग पर जा रहे हैं। Thank you.
उन्हें मोर्चा संभालने को कहिए। इसे ठिकाने लगाओ। नीचे डालो और जंग की तैयारी शुरू करो। लंगर नीचे डालो। जुब की बात है, ईजून शिन ने अभी तक अपना झंडा उठाया क्यों नहीं? अगर उन्होंने उठाया भी तो उनको क्या फायदा होगा? उनके कायर चूहों ने तो पहले ही उन्हें किस्मत के हवाले छोड़ दिया है। पहली सेना टुकड़ी आगे भेजो। सेना टुकड़ी एक, मोर्चा संभालो। तोपे तैयार करो। तोपे तैयार करो। फायर चप्पू फायर रुक जाओ।
संगुइरिप, दुश्मन के जहाजों को तोपों और विस्फोटक तीरों से अपना निशाना बनाओ। जी जनाब, दुश्मन जहाजों को तोपों का निशाना बनाओ। निशाना चूकना नहीं चाहिए। हमले के लिए तैयार, निशाना बनाओ, गोली चलाओ। देखिए जनाब, ये सुनशिन कुरुशिमा के जहाजों को ही एक के बाद एक निशाना बना रहे हैं। वो जहाज जो सामने एक दूसरे से टकरा रहे हैं। लेकिन बाकी जहाज तो वही हैं। टकराने के बावजूद भी वो अपनी जगह से हिले नहीं, या फिर उन्हें किसी और बात का इंतजार है। हमें उनके साथ मिलके उनकी ताकत बढ़ाकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अभी नहीं, हमें कुछ देर और रुकना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं करता, ना हम में ना हमारे दुश्मनों में। 6 साल की लगातार हार ने हमारे दुश्मनों के मन में भी जबरदस्त डर भर दिया होगा। डर कोई भेदभाव नहीं करता, मतलब दुश्मन भी डरे हुए होंगे। इससे क्या होगा बाबा? क्या इससे हम जंग जीत जाएंगे? अगर अपने डर को हौसले में बदल दें, तो हम अपने दुश्मन को जरूर हरा सकते हैं। दूसरी सेना टुकड़ी भेजो, उन्हें हमला करने को कहो। जी जनाब। सेना टुकड़ी दो, मोर्चा संभालो। कुरुशिमा बिना सोचे समझे जहाजों को दुश्मन की तरफ भेज। सुना है वो तेज लहरों को संभालने में बहुत माहिर है। चलो हम देखते हैं वो क्या कर सकता है। बस अब देखते जाओ। तेज लहरें हमारी मदद करेंगी और हम उन तक जल्दी पहुंच जाएंगे, और फिर चुटकी बजाते ही हम उनका सफाया कर देंगे।
की वजह से तोपों का निशाना ठीक से नहीं लग पा रहा। लंगर ढीला करो और उठते ज्वार के साथ जहाज को ब्लड आइलैंड की तरफ ले चलो। जी जनाब। हमारे पीछे ब्लड आइलैंड है, इस तरह हम ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। देखो हुईरिप, अब हम बम के टुकड़ों का इस्तेमाल करेंगे। अब आपने सामने मुकाबले की तैयारी करो।
देखिए जनाब, कुरुशिमा ये जंग जीतने ही वाले हैं। कुछ भी कहिए, ये सुनशिन ने उम्मीद से ज्यादा देर तक ये मोर्चा संभाला। जल्दी करो, जवानों से कहो सारी की सारी तोपों को नीचे जहाज के बाएं भाग में ले जाए। सुना मैंने क्या कहा? मगर जनाब हम सब मर सकते हैं। कहा वैसा करो। जी जनाब, जैसा आप कहे। हिम्मत नहीं हारना। तोपों को बाएं भाग के द्वार पर रखो। ये किसका इंतजार हो रहा है? तोप के गोले उठाओ और तोपें भरो फौरन। इससे जंग जीतने में मदद मिलेगी? अगर डर को हौसले में बदलने तो निश्चित है हम हमेशा अपने दुश्मन को हरा देंगे। और जो हौसला डर से जन्मा हो वो हौसला होगा हजारों गुना ज्यादा दमदार। मगर बाबा, जब इतना ज्यादा डर हो तो क्या उसे हौसले में बदलना मुमकिन है? इसके लिए मुझे मरना होगा।
मतलब क्या ये ई सुनशिन का अंत है? भवर ही है ये सुनशेन। तो इसी वजह से तुमने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा। तुम जानते थे भंवर के बारे में? देखिए जनाब, लहरों के रुख बदल गए हैं। यहाँ एक जबरदस्त भंवर बन रही है। इसीलिए आइलैंड के पास पानी शांत है जो उनकी तोपों को सही निशाना लगाने में मदद करेगा, और अगर वो वहीं रुका रहा तो किसी दूसरी तरफ से खाड़ी में घुसना बहुत मुश्किल होगा और उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। इससे पहले कि वो अपनी ताकत और बढ़ा ले, हमें ये की ध्वजपोत की तरफ बढ़ना होगा। हमें उसके पास पहले पहुँचना है। जी जनाब। जनाब, वो उनका मुख्य बेड़ा है। जाओ, झंडा ऊपर उठाओ। जो हुक्म जनाब।
कड़े मार्शल ला के तहत अनुशासित किया जाना चाहिए, मगर इस वक्त जंग जारी है जिसके मद्देनजर मैं आपको आखिरी सांस तक लड़ने का आदेश देता हूँ। आपको अपनी जान पर खेलकर ब्लड आइलैंड को बचाना है, समझ गए आप? जी हाँ जनाब। उरिप, जितनी जल्दी हो सके हमें खाड़ी के बीचों बीच पहुंचना ही है। जो हुक्म जनाब। खाड़ी के बीच ले चलो। योजना थी जनाब, विस्फोट इतना जबरदस्त होगा कि वो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हुआ। ये सुनशिन सोचता है कि उसने हमें भटका दिया और गलत रास्ते पर भेज दिया, पर ऐसा नहीं होगा। हम ब्लड आइलैंड की तरफ बढ़ेंगे और उसके पेड़ से टकराएंगे। जनाब देखिए, एक भूसे से भरी नाव हमारी तरफ आ रही है। तीरंदाजों को तैयार करो। जी जनाब। ये तो खाली है। तू तेज चलाओ और तेजी से, तेज चलाओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, रुकना नहीं, बिल्कुल मत रुकना। मैं आजाद हो गया। उसकी तलवार उठा लो, छोड़ना मत। बच गए। क्या चारों तरफ बारूद बिखरा हुआ है। लिम जुन यांग, जुनसा, उस जहाज में तो बारूद है। संभल के जनाब, उस जहाज में बारूद भरा पड़ा है। जनाब, हमें उस जहाज को जल्द से जल्द उड़ा देना होगा, हम देर नहीं कर सकते। पर उस जहाज पर हमारा जासूस लिम जुन यांग है। को किसी भी कीमत पर उस
उस जहाज तक नहीं पहुंचना चाहिए। दुश्मन का ध्वजपोत हमारी तरफ बढ़ रहा है।
नहीं जा सकते, हम पूरी तरह फंस गए हैं, आगे बढ़ना मुश्किल है। फौजी सहायता मंगवानी होगी। बेवकूफ, इतना भी नहीं समझते? अगर उन्हें हमारी मदद करनी होती तो वो अब तक आ चुके होते। लगता है वो हार रहे हैं, क्या हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? जनाब, हमारा जहाज भंवर में फंस गया है, अब क्या करेंगे हम? Thank you.
करेंगे। हमारी रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? जल्दी चलो। मुश्किल है, अब पानी के बहाव की उल्टी दिशा में जा रहे हैं। हाँ मैं जानता हूँ बेवकूफ, नाविकों से कहो जब वो तेजी से चलाए। हम इस तरह पीछे नहीं रह सकते, रफ्तार बढ़ा के उन्हें पकड़ना ही होगा, यही मौका है। करना है जहाजों को टक्कर मार दी, कछुआ जहाज वापस आ गया, कछुआ जहाज वापस आ गया, कछुआ जहाज वापस आ गया। उसकी यही योजना थी, हमारे जहाजों को इस भंवर में फंसा देना।
जहाज को वापस घुमाओ। लहरों की दिशा फिर से हमारे पक्ष में हो गई है। दुश्मन की 23 लाशें, 17 नौ सैनिकों की लाशें, 3 अफसर और 9 नौ सैनिक। वो चाहे जितनी बार हम पर हमला कर ले, लेकिन वो हमें हरा नहीं पाएंगे। उन्होंने हम पर 6 बार हमला किया, लेकन हमने उन्हें हर बार हराया। हम इसे खाना चाहेंगे? नहीं यार, मेरे पास पहला ही एक है। ठीक है, ये बंदा तो डर गया था, अब देखो कैसे शेर बन रहा है। देखो इसे, असल में ये एक चूहा है। क्या तुम्हें लगता है कि वो हम पे दोबारा हमला करने आएंगे? अगर उन्होंने फिर हिम्मत की तो हम उन्हें फिर धूल चढ़ा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपने परिवार के पास वापस लौट जाना चाहिए? हाँ सही कह रहे हो। ये लो थोड़ा पानी पियो, थोड़ा पानी पियो। ये छेने से बनाई है ना? सच में बहुत स्वादिष्ट है। Come up with that idea to use the whirlpool, Father? What were you asking? Right when we needed it, that whirlpool appeared. If that hadn't have happened then, it's the grace of God. Grace of God? You mean we could have been defeated? Yes. Yes, indeed. Thank God for the peasants. If they weren't there to save me, then... The peasants were the grace of God? Not the whirlpool? Well, what do you think? What's more likely to be the grace of God?
July 1592, हंसन, दक्षिणी कोरियाई समुद्र। वो देखा तुमने? आखिर वो है क्या? This movie is encoded by Dr. Star.
This movie is encoded by Dr. Star.